आदर्श भाई फिर कैसा एक्सपीरियंस था? तुम्हारा कैसा है? प्रॉपर ऐसी फील आ रही है जंगलों में। इंडिया में लेंगे हम थाईलैंड के मजे। देख कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं तीर्थन वैली में और आज का दिन हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम जाएंगे जिब्बी और जलोरी पास और इस प्रॉपर्टी में रुक के सच में ही मजा आया है। मतलब इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी और जो इनका पूरा वो सराउंडिंग था बिल्कुल जंगल, आप देख सकते हो बिल्कुल ही ऐसा है। हम जंगल में रुके हुए, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में जंगल है, साइड में से रिवर जा रही है, उसमें हम फिशिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो इस प्रॉपर्टी का एनवायरनमेंट है ना भाई, कसम से मजा आ गया यहाँ पे रुक के। मतलब हम रात को नीचे गए थे भाई, पानी का इतना तेज प्रेशर था, नीचे बारिश हो रही थी कल रात को, उसकी वजह से फ्लो भी इतना ज्यादा हो गया पानी का। मैं आपको फ्लो चेक कराता हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे रुक के। और बाहर निकलते के साथ ही चिड़िया की चू चू और भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जंगल में। और कल रात को भाई हमने पूरे मजे करे और रात को इतनी बड़ी मकड़ी आ गई थी भाई, दिमाग खराब कर दिया उसने तो। भाई जंगलों में रहने का ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम यहाँ बैठे थे और ये भाई शेर यहाँ बैठा है। अभी चल रहे हैं नीचे और करते हैं ब्रेकफास्ट और आपको दिखाते हैं नीचे भाई क्या सिस्टम चल रहा है। ये है भाई नज़ारा, पानी का फ्लो चेक करो। और यहाँ की खास बात ये है इस पानी में ट्रॉट फिश भी है, अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ फिशिंग भी कर सकते हो। और बाकी वैली का व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब गजब ही व्यू है। इस प्रॉपर्टी का व्यू चेक करो, जो व्यू आ रहा है भाई कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। ऑल व्यू कॉटेज एंड कैंप्स है तीर्थन वैली में, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो तो वही वर्थ है रुकना। भाई कैसा लगा यहाँ रात को हमने स्टे करा संजू? फुल चिल ऑन भाई, पार्टी ऑन थी, अभी भी ऑन है जब तक घर नहीं पहुंचेंगे। तो भाई अभी हम चल रहे हैं आगे के सफर में, जाएंगे थोड़ा सा ऊपर जिब्बी और जलोरी पास करेंगे एक्सप्लोर थोड़ा वहाँ पे। और ये जो जगह है ना, ये पार्ट इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, जो यहाँ से नदी क्रॉस होगी अभी। भाई इस प्रॉपर्टी का जो सबसे मेन डिफिकल्ट काम है वो ये है, वो इसी में बैठ के यहाँ से नदी क्रॉस होती है। और भाई चंद सब गिर गिर जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, नया ले आएंगे घर वाले यार। क्या दिक्कत होगी, बाय बाय। भाई इसमें गिरे हैं कोई लोग कभी कभी? आज तक नहीं गिर पाया मेरे सामने तो, नहीं गिरा पीठ पीछे बात तो लग गया। मतलब गिरा होगा, हो गया दो तीन बार पीठ पीछे बात पता नहीं। भाई हमने तो आराम तली काट दिए दोस्त, ठीक है, पर नेगेटिव रिव्यू डालूंगा मैं तो खाती। गिर गिर को ना बस तो बचूंगा ही मुश्किल। तो भाई चलते हम बैठ के, भाई इस पर भी मज़ा तो है थोड़ा सा घूमने में। भाई पानी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, वैसे एक नंबर मज़ा आ रहा है। हम तो रात को इसको प्रॉपर्टी समझ रहे थे। क्या नाम है इसका? जेट टाइसन। मेरा तो टाइसन ही है भाई, मेरा सेम ऐसा टाइसन है, तो मेरे लिए ऐसे सारे टाइसन है।
अगर आप इस कैफे में विजिट करते हो तो आपको यहाँ से साइकिलिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और आपने विंडो साइड का तो व्यू चेक कर ही लिया, इस फ्रंट से और व्यू चेक करो यार इसका। हाय जैक, ये मेरे से डर के भाग रहा है यार। कैफे बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा कैफे है। और इनकी सीटिंग देखो कितनी यूनिक टाइप ऑफ सीटिंग है इनके पास। और उधर साइड भी हम आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, अगर कैफ़े में अंदर आप नहीं बैठना चाहते हो। वैसे तो ऐसी अगर कोई स्पेस हो उसमें अंदर आदमी कौन ही नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि उस साइड से इतना अच्छा व्यू आ रहा है। और लो जी, नीचे से भी भयंकर नज़ारा ऊपर है। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा हम यहाँ बैठ के इंजॉय कर पा रहे हैं। अभी बारिश की वजह से पानी बहुत गंदा है, वरना यहाँ पे पानी बहुत साफ होता है। और आदर्श भाई हेलो, राफ्ट लेके चल रहे हो? नेक्स्ट टाइम पक्का। एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे सर्व भी हो जाएगा, अगर पानी का लेवल कम होता है, कभी आता है अच्छा बड़ा ग्रुप आता है तो नीचे बीच साइड फील भी ले सकता है। मतलब नीचे बैठ के उन पे आराम से लोग खा सकते हैं खाना। फैसिलिटी सर प्रोवाइड करके देंगे आप लोगों को, कभी भी होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, चीज़ें डाल देंगे, आगे कुछ भी चाहिए हो तो डेफिनेटली। थैंक यू टाइसन, तेरे को चाहिए? और वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, और अब हमें दोबारा इसको क्रॉस करके जाना होगा उस साइड। आदर्श भाई फिर कैसा एक्सपीरियंस था? भाई अभी चल रही है हमारी ट्रैकिंग और हम पहुंच चुके हैं जीपी में। ये है मिनी थाईलैंड जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। नीचे चल के थोड़ा सा ट्रैक कर रहे हैं उसमें हम। इंडिया में थाईलैंड के मजे, इंडिया में लेंगे हम थाईलैंड के मजे, देखते हैं भाई यहाँ क्या है। इंडिया में इसराइल के मजे दिलाए थे। कल का तो भाई बहुत ही भयंकर सीन गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, जाओ जाके देखो। मतलब हम फॉरेन ट्रिप करा रहे हैं आपको इंडिया में। खजियार भी जाना पड़ेगा हमें। भाई बारिश हो रखी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है। भाई नकली रिपट के दिखाओ ना थोड़ा। अरे नकली वैसी भाई कितना नकली लगा है। आवाज अच्छी रही निकाली। यहाँ से कर लो, नहीं यहाँ से इस पत्थर पे कर लो। इतना ही था यार, इनके बस की नहीं है कुछ भी। और वैसे मैं एक चीज बता दूं आपको भाई, अगर आप तीर्थन वैली आते हो और ये जीबी जो प्लेस है इसको अगर एक्सप्लोर करते हो तो भाई आपको सच में बहुत मजा आएगा। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मजेदार भाई, मजेदार, मजे ही नेक्स्ट लेवल आ गए। और भाई ट्रैकिंग करके मेरे को तो एक नंबर फील आ रही है। पर अब बस ये देखना नीचे चल के कि भाई मिनी थाईलैंड क्या है यहाँ पे। यार भाई पीछे ना उसमें बहुत ज्यादा काटे थे, मेरे सारे लाल हो गए थे यहाँ, और पूरे शर्ट में हो रही है भाई बहुत ज्यादा जलन हो रही है। बारिश में एक्चुअली क्या होता है कि भाई जो भी जंगली जानवर होते हैं, छोटे मोटे कीड़े वीड़े, वो अपने बिल वगैरह में से बाहर आ जाते हैं, तो असली नुकसान भाई इस चीज का है। बाकी बारिश में ट्रैकिंग करने का मजा आदर्श भाई अलग ही है। कम से कम 15-20 मिनट का ट्रैक करने के बाद ये जो जगह हम देख रहे हैं इसको मिनी थाईलैंड कहते हैं, और उसकी असली ब्यूटी हम अभी नीचे पत्थरों के बीच में जाके दिखाएंगे आपसे। बहुत बुरा हाल है, और ये आप देख ही सकते हो नज़ारा भाई। पानी का प्रेशर कितना तेज है, बुरा हाल इससे बोल रहे हैं। मिट्टी वाला पानी है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है सारा। बाकी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है भाई, पानी का फ्लो चक्कर आते हैं। Came out looking
पत्ते लगे हुए, इन पत्तों में सब में कांटे हैं, बहुत ज़्यादा चुपटे हैं। तो अगर आप आ रहे हो इधर तो इनसे थोड़ा सा बच के रहो। भाई ट्रैकर के बाहर आ चुके हैं, ये बोर्ड है, आप कभी भी अगर यहाँ विजिट करना चाहो तो यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आगे जाके 15-20 मिनट का ट्रैक है। और जो जो यहाँ पहले आए हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप यहाँ पे आए तो आपने क्या चीजें एक्सप्लोर करी। तो भाई अभी फिलहाल हम रुके हैं लंच करने के लिए। आदर्श भाई बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, इसको खिलाने खिला रहे हैं कुछ पनीर दाल मखनी रोटी नूडल्स कैंसिल हो गए हमारे यार, पर नजारा बढ़िया है। चलो मिलते हैं आपसे खाना खा के। ये हमारा रास्ता रोक के बैठे हैं भाई, बहुत भाई सारी बात ठीक है। यहाँ से लेके कहाँ जा रहे हो? इन्होंने पियर्सिंग दिखाओ मालिक साहब। यहाँ से लेके कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। सरप्राइज सरप्राइज ब्रो, एक ही गाड़ी जा सकती है नीचे और एक ही आ सकती है। लेवल समझ जाओ तुम, अगर जगह ना पसंद आई तो पैसे वापस। स्टे के पैसे वापस। ठीक है चलो भाई, ये कहाँ ले आए यार जंगल में? अभी तो ट्रैकिंग करके आए हैं हम। ये जंगल है और ये जंगल ही तो क्या है, जंगल में मंगल करेंगे चेक आउट। 3 2 1 Exactly where you need to be, Adarsh Roy Pratap. Thank you so much for this beautiful property. So guys, आज का stay होने वाला है हमारा इधर. So guys, आज हम stay करेंगे डोम में अंदर और देखते हैं आज का भाई कैसा experience रहेगा. बहुत ही beautiful property है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही डोम है जिसमें stay कर सकते हैं, एक पहले से booked है और एक जिसमें हम अभी stay करने वाले हैं। भाई ये हमारा कुछ ऐसा व्यू आएगा और यहाँ पे 6 बेड्स हैं। भाई मैं तो अपना बेड छोड़ के यहाँ आ गया, ये जगह मेरे को तो सबसे बढ़िया लग रही है यार, पर इसमें ऊपर मकड़ियों के बहुत जाले हैं देखो। पर फिर भी यार जंगल में हम खड़े हैं तो ये चीज़ तो देखने को मिलेंगी। पानी को देखो, मतलब जो नेचर की ब्यूटी है यार, हम जिस चीज़ का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं भाई यहाँ पे आके, वो चीज़ शायद मैंने आज से पहले कभी नहीं की अपनी लाइफ में।